एनसीआर सोनीपत में आशा वर्कर पिछले 11 दिनों से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सभी की एक ही डिमांड है कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आशा वर्कर अपनी मासिक सैलरी को बढ़वाने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि उनको पक्का किया जाए और 4000 में उनका गुजारा नहीं होता है, उनकी मासिक सैलरी को सरकार 26000 करे तब उनका गुजारा संभव हो सकता है। आखिर आशा वर्कर क्या बोल रही है यह भी आपको अब जरूर सुन लेना चाहिए। आज आशा वर्कर्स की जो हड़ताल है उसका 11वां दिन है। लगातार 8 तारीख से हमारी हड़ताल चली हुई है और सरकार से हमारी मांगे हैं कि 26000 रुपये न्यूनतम वेतन हमारा लागू किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेज हमारा बनता है वो 26000 रुपये बनता है। वैसे तो हमारी मांग है कि भाई आशा वर्करों को पक्का किया जाए, और जब तक सरकार हमें पक्का कर्मचारी नहीं बनाती है तब तक हमारा न्यूनतम वेतन 26000 रुपये जो बनता है वो लागू किया जाएगा। और सरकार की तरफ से बातचीत का अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। सरकार हड़ताल को जानबूझ कर लंबा खींचना चाहती है, तो हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार जब तक बातचीत नहीं करती है, हमारी मांगों समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, चाहे ये फिर कितनी भी लंबी चले। तो हम सब हड़ताल के लिए लंबे वक्त उसमें बैठने के लिए भी तैयार हैं। 11वें दिन में हमारी हड़ताल चल रही है, अभी 8 तारीख से बैठे हुए हैं, और हम जो हमारा 2018 से लागू हो रहा है 50% जो काटा गया है वो मांग रहे हैं। 26000 हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए और हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए, और तब तक हमें कर्मचारी नहीं बनाया जाता हमें 26000 वेतन देना चाहिए, और 4000 में आजकल गुजारा नहीं हो रहा है, एक थोड़ा सा एक किलो दूध भी नहीं आता है। 2018 से हम सरकार हमारे को झूठे वायदे कर रही है कि हमारा नियुक्ति नहीं बढ़ाने के, उसमें उन्हें हमारा कुछ नहीं बताया, हमारे को जवाब दे रही। 8 तारीख से हम आज तक हम अपना धरना जारी रख रहे हैं, नहीं तो हमारे से आके मिलते हैं, नहीं हमारे से कोई बातचीत करते हैं, और ऊपर से धमकी दे रहे हमारे से, क्या नाम है, हमें ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या नाम, हम ये चाहते हैं कि नहीं तो हमने किसी से वो नहीं, हम अपनी लड़ाई हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हमारा 26000 हमारी तनख्वाह बांध दी जाए और हमारे को आशा वर्कर का सही हमारा सम्मान दिया जाए। और हम पिछले 8 अगस्त से घर में बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारे से कोई बातचीत करने के लिए आया है, ऊपर से हमारे ऊपर ऑनलाइन का दबाव बनाया जा रहा है बार बार। तो हम चाहते हैं सरकार से हमारी बातचीत और हमारे कुछ ऐसे बढ़ाए, 26000 हमारे लागू किए जाए। वन विभाग कर्मचारी यूनियन ने भी अब आशा वर्करों का ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर समर्थन कर दिया है। उनका कहना है कि 8 अगस्त से दोबारा से आशा वर्कर्स ने पूरे हरियाणा में हड़ताल शुरू की है। सरकार बार बार आंदोलन के दबाव में बातचीत करती है, लेकिन जो समझौता करती है उसको लागू नहीं करी है। एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ महिलाओं से फ्री में काम लेना चाहती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून है जिसके तहत खेत में दुकान पर काम करने वाले मजदूर को भी न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन ये सेंटर का भी भाग है, केंद्र व राज्य सरकार इनको न्यूनतम वेतन तक लागू नहीं कर रही है, मात्र 4000 रुपये इनको मानदेय दिया जा रहा है।
और जो सेंटर ने इनिशिएटिव जारी किए थे वो भी हरियाणा सरकार ने इनका काट लिया है। हमारी मांग है 45वें श्रम सम्मेलन ने सिफारिशें कर रखी हैं, 46वें श्रम सम्मेलन ने भी सिफारिशें की हैं कि आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी को, क्रैच को, मिड डे मील को वर्कर का दर्जा दिया जाए और जो राज्य सरकारों का न्यूनतम वेतन है उसको इन पर लागू किया जाए। लेकिन खुद केंद्र की सरकार अपने कानूनों को तोड़ रही है। आज ये जो आंदोलन है निश्चित तौर पे पक्के कर्मचारी का दर्जा ही नहीं दिया जाए। जब पक्का काम है तो रोजगार कच्चा क्यों है? और ये संविधान भी कह रहा है समानता का अधिकार का की बात है, संविधान में समान काम समान वेतन का सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है। वही काम जो ANM है वो करती है, वही काम आशा वर्कर्स करती हैं, लेकिन वहाँ वेतन भत्ते हैं, यहाँ मानदेय है और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित किया जाए, 50% की जो कटौती है वो बहाल की जाए, पीछे तक इनका एरियर जो बकाया है वो दिया जाए और बातचीत की बजाय सरकार दमन का रास्ता अपना रही है। आशा पहले भी जम के लड़ी है और अब भी इन्होंने आर पार के आंदोलन का रुख मन बना लिया है। फिलहाल यहां आशा वर्कर भारी संख्या में उपस्थित हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार को वार्ता कर समाधान जरूर निकाल लेना चाहिए। आशा वर्करों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वार्ता कर समाधान निकालना चाहिए क्योंकि वह भी सरकारी कर्मचारी के तौर पर कार्य करना चाहती हैं। वह अभी कच्ची हैं तो उनको पक्का भी जरूर करना चाहिए। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।